इस तारीख को आसमान में दिखेगा ब्लू मून। कहाँ दिखाई देगा ये ब्लू मून? क्या ब्लू मून का मतलब चांद नीला हो जाता है? सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों, पृथ्वी से बाहर की हर बात इंसानों के लिए हमेशा ही दिलचस्प रही है। दरअसल इस दुनिया में मुट्ठी भर ही लोग हैं जिन्हें अंतरिक्ष, सितारों और चांद के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान है। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक जादू है। खास तौर से जब कुछ अनोखा ऊपर आसमान में घटता है तो पृथ्वी पर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये एक अद्भुत अनुभव होता है। अब ऐसा ही कुछ घट रहा है अगस्त के महीने में। इस महीने में ना सिर्फ आसमान में सुपर मून दिखाई दिया, बल्कि इसके साथ साथ ब्लू मून भी देखने को मिलेगा, जो कि कई सालों में दिखाई देता है। ब्लू मून हर 3 साल में एक बार दिखाई देता है। इस बार देखने के बाद ये सीधा 2026 में दिखाई देगा। वहीं इन्हें देखने की बात करें तो आप इसे आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। वैसे तो ये नजारा अमेरिका में दिखाई देगा, लेकिन इंटरनेट के जरिए आप इसे कहीं से भी रहकर दीदार कर सकते हैं। दरअसल पहला सुपर मून 6:33 पर 1 अगस्त को दिखाई दिया था। इसके साथ ही 30 अगस्त को आसमान में ब्लू मून दिखाई देगा। ये दोनों ही नजारे कमाल के हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी खगोलीय घटनाएं हर रोज नहीं होती, इन्हें घटने में सालों साल लग जाते हैं। अगर अब आप सोच रहे हैं कि ब्लू मून का मतलब चांद नीला हो जाता है, तो हम आपको बता देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल इस चांद का नीले रंग से कोई भी लेना देना नहीं है। इसे ऐसा समझिए कि जब कैलेंडर के एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। दिनों के हिसाब से कहें तो ऐसा तब होता है जब 31 दिन के भीतर 2 बार पूर्णिमा पड़ती है, जैसे कि इस बार हो रहा है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें।